देखिए, जहाँ जितनी भी चीज़ें हैं, कुदरत की बनाई हुई चीज़ें जितनी भी हैं, उसको चाहे आप किसी भी ज़बान में इस्तेमाल करें, आप उसके लिए चाहे जो शब्द इस्तेमाल करें, आप चाहे तेलुगु में कहेंगे या फिर मलयाली में कहेंगे, आप तमिल में कहेंगे, फिर किसी भी ज़बान में कहेंगे, चीज़ वही रहेगी। अब ये अलग है, कुछ जो कॉमन शब्द हैं, कॉमन जो अल्फाज हैं, वो तो इस्तेमाल होते ही रहे। चांद है, चंद्र है, चंद्रमा है, ये सारी चीज़ें हैं। मून का इस्तेमाल नॉर्मली गानों में कम हुआ है, नहीं के बराबर हुआ है। कभी एक आध बार किसी ने डिफरेंट कुछ करने की कोशिश की हो तो शायद बात अलग है, वरना हुआ नहीं है। मराठी में आप जब जाएंगे तब यही चीज़ें रहेंगी, जज्बात यही रहेंगे, भावनाएं यही रहेंगी, कल्पना भी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। शब्द बदलेंगे थोड़े बहुत, इधर उधर होंगे, लेकिन जब वो जज्बात उभर करके आते हैं, और वो भी एक ऐसे शख्स के ज़बान से जब वो जज्बात उभर करके आते हैं, प्रतीक मेरे साथ में यहाँ पर बनेंगे, चूँकि अभी इनका चांद इनके साथ नहीं है और अभी चांद आने की तैयारी है, बस नेक्स्ट मंथ में दिसंबर में शायद इनका चांद इनके साथ होगा। तो इन्होंने कोशिश की है कि अभी इसे शुरुआत की जाए, कुछ प्रैक्टिस की जाए मराठी में। कुछ एक बहुत सुंदर से गीत लेकर के आपके सामने आए हैं, रिमझिम झरनारी बरसात, चमचम करनारी चांदने आत। मैं अगर मराठी सही बोल रहा हूँ प्रतीक, तो कदी तू कोसड़े धारा पै था मान, मतलब बहुत सारी चीज़ें। एनीवे, तो थोड़ा सा हमिंग कर रहा है सराइज भाई। तो ये उस चीज़ को, उनके जज्बात को लेकर के आएंगे ये, और इसमें बहुत सारे कुदरत की बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है इस गीत के अंदर। मराठी है, आप मज़ा लेंगे इस गीत का। आज हमने दो जबानों में बात करने की कोशिश की है, चांद की और रात की, वो मराठी और हिंदी, हमने ऐसा मिक्स आज चीज़ लेकर आए आपके सामने। बिजलीची नक्षी अंबरात सळसळत्या लाटा बिजलेल्या वाटा चिंब पावसाची ओली रात कधी तू रिमझिम झरणारी बरसात कधी तू चमचम करणारी चांदण्या दरवणारी रात राणी वेड्या जंगला कधी तू अंग अंग मोहरणारी आसमंत दरवणारी रात राणी वेड्या जंगला कधी तू हिरव्या चाफ्याच्या पाखळा रिमझिम झरणारी बरसा कधी तू कोसळत्या धारा थैमान वारा बिजलीची नक्षी अंबरा सळसळत्या लाटा बिजलेल्या चिंब पावसाची ओली रात कधी तू रिमझिम
झिमझरणारी बरसा कधी तू चमचम करणारी चांदण्या जरी तू कळले तरी ना कळणारे दिसले तरी ना दिसणारे विरणारे मृगजळ एक क्षणा जरी तू कळले तरी ना कळणारे दिसले तरी ना दिसणारे विरणारे मृगजळ एक क्षणा तरी तू मिटलेल्या माझ्या पापण्या कधी तू रिमझिम झरणारी बरसा कधी तू कोसळत्या धारा थैमान वारा बिजलीची नक्षी अंबरा सळसळत्या लाटा भिजलेल्या वाटा चिंब पावसाची ओलीरा कधी तू रिमझिम झरणारी बरसा कधी तू चमचम करणारी एक डिफरेंट फ्लेवर में प्रतीक आपने दिया है क्योंकि विश्वजीत अविनाश विश्वजीत एक नए संगीतकार हैं मराठी के अंदर और आपने एक डिफरेंट चीज़ दी. आपका जो पैटर्न है जो थोड़ा सा जैसे हिंदी में अगर हम बात करें तो शायद अरिजीत और वो उस स्टाइल का जाता है. आप नॉर्मली हिंदी गाते हैं आप कभी ऐसा? हाँ पहली बार मराठी सॉन्ग गाया. पहली बार मराठी सॉन्ग गाया. नॉर्मली आप हिंदी में गाते हैं. चलिए थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट.